बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में इस बार 38वां राष्ट्रीय खेल होना है। राज्य के 7 शहरों की इस मेजबानी दी गई है इन्हें, और इनमें प्रतिभागियों को जितनी प्रतियोगिताओं के समापन के बाद भी खेलों की विश्व स्तरीय और बुनियादी सुविधाएं हमेशा के लिए उपलब्ध रहेंगी। देहरादून और हल्द्वानी की पहचान खेल गांव के रूप में भी कायम होगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भेंट की और 28 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक उन्होंने इन खेलों की स्वीकृति प्रदान की है। धामी ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, ये खेल भव्य होंगे। वहीं पीटी उषा ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की अंदाजन तारीख तय की गई है, अगले हफ्ते एसजीएम बैठक के बाद हम इसकी पुष्टि कर देंगे। सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है, और आज मैं ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा जी से यहाँ मैंने भेंट करी है। मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज हमको पूरी तरह से आश्वस्त भी कर दिया कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 में इस खेलों के आयोजन की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। बाकी विधिवत रूप से उनकी जो जनरल बॉडी की उनकी यहाँ मीटिंग होगी 25 अक्टूबर को, उसमें इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही काफ़ी बन चुका है और सभी तैयारियां हम पहले से कर रहे थे, इसलिए ये खेल बड़े अच्छे होंगे, बहुत भव्य तरीके से होंगे। और जो पहले के जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं उन राष्ट्रीय खेलों से भी हम निश्चित रूप से वहाँ के खेलों के जो अनुभव हैं उन अनुभवों से भी और अच्छा करने के लिए हम काम करेंगे। मैं बहुत खुशी हूँ, उत्तराखंड का सीएम हमारा हीरो में भी सामने आया है, तो आई एम हैप्पी दैट वो इवन नेशनल गेम, दे आर रेडी फॉर होस्टिंग द नेशनल गेम्स आल्सो, इवन विंटर गेम्स आल्सो। इसलिए हम डेट जनवरी 28 से लेकर फरवरी 14 तक टेंटेटिवली वी विल बी कंफर्मिंग आफ्टर एसजीएम नेक्स्ट वीक 25 उसके बाद। तो वेरी हैप्पी दैट।